फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कुल 7 फेज में चुनाव करवाए जाएंगे। पहले फेज की वोटिंग 10 फरवरी को की जाएगी, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और हापुड़, यानी कि कुल 11 जिले शामिल हैं। इन 11 जिलों की सभी विधानसभा में पहले चरण में मतदान होगा। हम आपको रूबरू करवाते हैं कि किस जिले की विधानसभा में चुनाव होना है। हापुड़ की अगर बात कर ले तो हापुड़ में हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना में चुनाव होंगे। वही अगर शामली पर नजर डाले तो शामली में थाना भवन, कैराना और शामली में चुनाव होंगे। मेरठ की बात कर ली जाए तो मेरठ में मेरठ कैंट, किठौर, मेरठ दक्षिण, सरदना, हस्तिनापुर और सिवाल खास में चुनाव होगा। वहीं अगर मुजफ्फरनगर पर नजर डालें तो मुजफ्फरनगर में खतौली, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, बुडाना और मीरापुर में चुनाव होने हैं। मथुरा की अगर बात कर ली जाए तो मथुरा में मथुरा, मांड, छाता, बलदेव, गोवर्धन में चुनाव होंगे। वहीं अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर में बुलंदशहर, अनूपशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद, सियाना, डिबाई और शिकारपुर में चुनाव होगा। बागपत की बात करें तो छपरौली और बागपत में चुनाव होने हैं। वहीं अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, जेवर और दादरी में चुनाव होंगे। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में साहिबाबाद, मोदी नगर, लोनी, गाजियाबाद और मुरादनगर में चुनाव होने हैं। वहीं अगर आगरा पर नजर डाल ली जाए तो आगरा में आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, एतमादपुर, आगरा दक्षिण, खैरागढ़, बाह, आगरा कैंट, फतेहाबाद और फतेहपुर सीकरी में चुनाव होने हैं। वहीं अगर हम बात करें अलीगढ़ की तो अलीगढ़ में इगलास, अतरौली, अलीगढ़, छर्रा, बरौली, खैर और कोल में चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।